नमस्ते दोस्तों, आस्था की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया टिक्की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसी में हम डालेंगे सोयाबीन, 3 सूखी लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च। इनको डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुका है, सोयाबीन हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। सोयाबीन हमारी पीस चुकी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ सामग्री ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। मैंने मिर्ची नहीं डाला है क्योंकि मिर्ची मैंने सोयाबीन के साथ पीसा हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें मैं 1 चम्मच बेसन और ऐड करूंगी क्योंकि मुझे यह हल्का गीला लग रहा है। बेसन डालकर इसका हम एक डो तैयार करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं, चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पैन। पैन में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिक्कियाँ बनाकर डालेंगे। अब हम इसे उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सारी टिक्कियाँ अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियों को फ्राई करेंगे। ये भी दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, सोयाबीन टिक्का हमारा बनकर तैयार है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।